मैंने बहुत बार कहा, जब तुम्हारे जन्मदिन हुए, एनिवर्सरीज हुए, आदमी बड़ा स्वार्थी हो गया है, पार्टी करेंगे, केक काटेंगे, लोगों को खिलाएंगे, जो खा के घर से आएंगे फिर से खाएंगे, उनको खिलाएंगे, व्हाट्स द यूज. जन्मदिन दिवस होए, कोई एनिवर्सरी होए, तो आपका ध्यान जाना चाहिए, आपके शहर में जरूर कोई ना कोई अनाथ आश्रम होगा, कोई ब्लाइंड स्कूल होगा, कोई निराश्रितों की जगह होगी, और नहीं तो जो लो इनकम ग्रुप वालों के स्कूल होते हैं वो होते हैं. मिठाई भोजन लेके जाइए उनके पास, अच्छा वाला बनवा. वैसे जब कहीं देना होता है ना तो सबसे बुरा वाला बनवा के देते, जब खुद खाना होए अच्छा तो बहुत अच्छा, पर जब देना होए तो बहुत ही बुरा देते, पर अच्छे से अच्छा बनवाइए और जा करके उनको दीजिए. ये बच्चे, ये अनाथ बच्चे जब इस भोजन को खा के जब आपको खुशी भरा प्यार भरा आशीर्वाद देंगे, वह आशीर्वाद तुमको और कोई नहीं दे सकता. Nobody can give you that. जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी खुशी, वो उनकी हंसी, वो उनकी किलकारियां जो उनके मुख से निकलेंगी, वो तुम्हें जो सुख देंगी वो और कोई तुम्हें दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता. तो दिन में एक समय आपका ऐसा जरूर होना चाहिए जो दूसरों के लिए हो, और अपने आप के लिए आपके कर्म ऐसे होने चाहिए, एक आप किसी को कष्ट न दे रहे हो, आप किसी का अधिकार न छीन रहे हो, आप लालचवश अपने ही बहन भाइयों का हिस्सा न मार रहे हो. झूठ बोल के धन कमाने के लिए किसी गरीब का गला न तुम काट रहे हो. सुबह मंदिर गई, घंटी घन घना करके, अगरबत्ती का धुआं करके मंदिर की दीवारें काली कर देती हैं. वो खासकर जो धूप होती ना, ऐसा उसका धुआं निकलता है, ठीक ना बनी हो तो दीवार काली हो जावे. जिनके मन काले उनके हाथ से मंदिर की दीवारें भी काली हो जाती. घंटी मत घन घनाओ, सिर्फ मन के अंतर जागृति भी होनी चाहिए. तो श्रेष्ठ कर्म करना. मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि अगर आप श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे और आपके हाथ से बुरे कर्म हो जाएंगे, तो वह बुरे कर्म के फल जब आपके सामने आएंगे आपको झेलना पड़ेगा, और फिर उससे आप बच के भाग भी नहीं सकोगे. ज्योतिष शास्त्र में पूर्व मीमांसा, जो हमारी फिलॉसफी है, उसी के अंतर्गत ज्योतिष भी आता है. तो पूर्व मीमांसा का ग्रंथ ये कहता है कि आपके जीवन में रोग, रिपु, ऋण आपके पूर्व के पाप कर्मों की वजह से आते हैं. रोग माने डिजीजेस, रिपु माने एनमीज, ऋण माने कर्जा. अब कर्जे की तो कहानी बड़ी अजब हो गई. आजकल लोग कर्जा लेने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं. मकान बनाना तो कर्जा, कार लेनी है तो कर्जा. आजकल बैंक वाले भी ऐसे होशियार हो गए हैं, शादी के लिए भी कर्जा देते हैं, स्टडी करनी उसके लिए भी कर्जा देते हैं. अब कर्जा लेके लोग बड़े खुश हो रहे होते. क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट मतलब हिंदी में क्या शब्द होगा? क्रेडिट मतलब ऋण, ऋण का कार्ड. और ऋण का कार्ड अपने पास रख के बड़े खुश हो रहे. क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई. क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, शॉपिंग करी, और आजकल तो भाई ऑनलाइन शॉपिंग हो गई. शॉपिंग फेस्टिवल इज ऑन. जो नहीं भी चाहिए वो भी सामान खरीद दो, रखने को जगह ना हो तो भी खरीद दो. पैसे कौन देगा? तुम्हारा डैडी. बोले नहीं, पति है ना. एक लड़की ना पढ़ रही थी,
accounts. कॉमर्स की स्टूडेंट थी. बड़ा मुश्किल लगे, पढ़ाई नहीं हुए, एग्जाम सिर पे था, रोने ही लग गई. माँ को बड़ा प्यार आया. माँ बेटी को कहती है, अरे बेटी तू काहे रोती है, तू मत चिंता कर, इस दुनिया में कोई ना कोई MBA, अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मेहनत कर करके, पढ़ाइयाँ कर करके, डिग्रियाँ लेके जॉब कर रहा है, ऐसे किसी लड़के से तेरी शादी कर देनी, तू चिंता क्यों कर रही? फेल भी हो गई तो भी कोई चिंता नहीं है, तेरे कॉमर्स की चिंता वो करेगा. कौन करेगा चिंता? हाँ, ये लड़के सोचते मैं बड़ा हैंडसम लग रहा था ना, इसलिए लड़की ने हाँ कर दी. वो देखती है इसके पास माल कितना है. ये बिल्कुल सच्ची बात है. हमारे एक जानने वाले बता रहे थे कि वो लड़की देखने के लिए गए, पर बिचौलिए का मैसेज आया, पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजो. बैंक स्टेटमेंट भेजो, लड़के की कमाई क्या है, घर, बोले पिताजी के नाम है. तो लड़की की माँ सामने से ही लड़के को कहती, ले घर तो तेरे डैडी का है, तेरा क्या है बेटा? कुछ भी नहीं, तो पहले अपना घर बना ले, फिर देखते हैं तेरी शादी का सोचेंगे. लड़का तू अच्छा है, पसंद है, पर तेरा घर ही कोई नहीं है. ऊपर से तुम दो भाई, तेरे हिस्से क्या आना है, 3 कमरे का मकान है. माने आने से पहले ही लड़ाइयाँ चालू. लड़कियां कई बार सोचती मैं बड़ी सुंदर हूँ इसलिए मेरी शादी होगी, उसे ये नहीं पता. वो देख रहे होते लड़की ना टीचर लगी ही नहीं, लड़की ना प्राइवेट जॉब करती हूँ, पक्की इनकम है, बहुत बढ़िया बात है. तो इनकम की शादी इनकम से हो रही है, बैंक स्टेटमेंट की शादी एक बैंक स्टेटमेंट से हो रही, और इसको तुम धोखा देने के लिए कहते हो इट्स अ ब्यूटिफुल लव मैरिज हैपनिंग. कर्ज अच्छी बात नहीं होती. भारत हमारा कैश इकोनॉमी था, अब कैश इकोनॉमी की जगह ये क्रेडिट इकोनॉमी होता जा रहा है, और माँ बाप बच्चों को भी कार्ड सप्लीमेंट्री दिलवा देते हैं, बेटे हम तो उजाड़ ही रहे, तू भी संग दो दो हाथ कर ले, तू भी कुछ काम कर ले, मतलब जो नहीं चाहिए वो खरीदो. देखिए फैशन रोज बदल रहा है, चीजें रोज बदल रही हैं, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, आज ये चाहिए. अब ये चाहत को पूरी करने के चक्कर में जो मन की दौड़ बेचैनी की होती है, पैसा कमाओ 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 तो भी कम पड़ जाता है, इससे मन को फिकर और चिंता और तनाव और डिप्रेशन ये बढ़ता है. और जब डिप्रेशन में या ज़रूरतों में या लोभ में मनुष्य का मन फंस जाता है तो वो रिश्वत तो खाएगा, कैसे नहीं खाएगा, खाएगा. अब रिश्वत खाने वाला रिश्वत के इस धन को घर में लाएगा, वो पाप से कमाए हुए धन को जो बच्चे खाएंगे, उन बच्चों के अंदर सद्बुद्धि आएगी कि दुर्बुद्धि आएगी कि कुबुद्धि आएगी? आप यहां जो सब माता पिता बैठे हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सबको कि रिश्वतखोरी का और बेईमानी का पैसा घर लाके अपने बच्चों को मत खिलाना. अगर बच्चों से इतनी ही नफरत है तो जहर देके मार दो, काहे उनको अपने पाप कर्मों का हिस्सेदार बना रहे हो? ये पाप कर्म है. लोभ से वासनाओं से पीड़ित हुए मन से ही दुष्कर्म होते हैं, और जब दुष्कर्म होगा तो इस कर्म से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी विल कम बैक टू यू, वो वापिस आप तक पहुंचती है. इसलिए जब आप कुछ बुरा करेंगे तो बुरे का फल आपके सामने कर्ज बन के, आपके सामने रोग बन के, आपके सामने दुश्मन बन के आ जाते हैं. तो ये दोष कभी किसी को मत देना कि मेरा जीवन में इस व्यक्ति के कारण तकलीफ हो रही है. आपके जीवन में तकलीफ है तो आपके अपने किसी कर्म के कारण है. आइए गिव एंड टेक हो रहा है. आज आप किसी को कष्ट दे रहे हैं, वो कष्ट घूम के व्याज सहित आपके पास आएगा, और आप
के दिए कष्ट से कोई और कष्ट पाएगा उसके दिए, तो मैंने इसको मारा उसने मुझको मारा, और फिर मैं दाव लगाऊं कि अब अगली बार इसको मारूं, फिर वो दाव लगाएगा मैं अगली बार कब मारूं इसको। तो क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लोभ से लोभ बढ़ता है, हिंसा से हिंसा बढ़ती है। तो महात्माओं ने कहा कि इस चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना। हम श्रेष्ठ कर्म इसलिए नहीं करें कि धर्म कह रहा है, हम श्रेष्ठ कर्म इसलिए करें कि इसमें हमारा फायदा है, इट्स गुड फॉर मी। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर बुरे कर्म का फल दुख है, रोग है, तो रमण महर्षि और रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, कितना बड़ा रोग, और उस समय पर कैंसर का कोई इलाज नहीं था। आज तो सर्जरी है, कीमियोथेरेपी है, बहुत कुछ है, उस समय कुछ भी नहीं था। रामकृष्ण के गले में कैंसर हुआ था, पानी तक नहीं पी पाते थे, पीड़ा से कराहते रहते थे। एक बार विवेकानंद ने कहा कि ठाकुर आप माँ को प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आपका कैंसर वो ठीक कर दे, आपको इस पीड़ा में नहीं देख सकते। रामकृष्ण ठाकुर ने कहा कि देखो वो मेरी माँ है, जो तुम्हें मुझे देख के दर्द हो रहा है, तो मेरी माँ देख के भी अगर अनदेखा कर रही है तो उसमें कुछ तो रहस्य होगा। रमन के बाह में कैंसर हुआ था तो ऐसा क्यों? जीसस को सूली लगाई, पांव में कीले ठोके गए, सिर पे कांटों का ताज धरा गया, हाथों में कीले ठोके गए, सूली पे चढ़ा दिया गया, रस्सियों से हाथ पांव बंधे हुए थे, और द ब्लड वुड ड्रिप, थोड़ा थोड़ा करके रक्त बहता रहेगा, और इसी ब्लड लॉस से दो दिन में या तीन दिन में मौत होती थी। तो बड़ी भयंकर मौत है ये। सिख इतिहास में अगर हम देखते हैं तो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को तत्ते तवे पर, गर्म तवे पर बैठाया गया था, और ऊपर सर पे उनके गर्म रेत डाल दी गई थी, पूरा शरीर फफोलों से भर गया था। और इतना भयंकर शरीर का कष्ट उनको क्यों? एक ब्रह्मज्ञानी, एक ब्रह्मवेत्ता, एक योगी को इतना कष्ट, इतना दुख क्यों? उनके क्या कोई बुरे कर्म थे, कोई पाप कर्म थे? आज ध्यान से समझना इस बात को कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। जिस महात्मा का, जिस ज्ञानी का, जिस योगी का यह अंतिम जन्म होगा तो वह अपने सर्व कर्मों की भुगतान एक ही समय में और बहुत गहराई से कम वक्त में पूरे का पूरा निपटारा कर, क्योंकि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो फल दिए बगैर जाएगा, फल हर कर्म देगा। ऐसे समझो अगर एक गिलास पानी को हम गिलास में रखे तो उसकी डेप्थ हो जाएगी, गहराई होगी जो दिखती है, पर वही पानी को अगर हम जमीन में फेंक दें फैल जाएगा पानी, तो उसकी कोई डेप्थ रहेगी क्या? नो डेप्थ। गिलास में है तो अच्छा, गिलास अगर तंग है, छोटा है, लंबाई में है, तो डेप्थ गहराई और ज्यादा बढ़ जाएगी, पर अगर वही पानी थाली में होए तो डेप्थ कम हो जाएगी, पर वही पानी जमीन पे डाल देंगे तो बहुत दूर तक फैल जाएगा कि शायद धरती थोड़ी सी गीली करके निकल जाएगा। प्रायः आम तौर पर जो भी मनुष्य हैं वह अपने पाप पुण्य कर्मों के फल को, जैसे धरती पर फैला हुआ जल है ना, इस तरह से भोगते, माने कई जन्मों तलक भोगते रहते। एक जन्म में तो खत्म ही नहीं होगा वो काम, इसीलिए फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म होते रहते, क्योंकि जब जन्म होता है उसमें भी वो खाली थोड़ी बैठा है, उसमें भी तो वो कर्म कर रहा है। अब जब कर्म करेगा, कोई अच्छा हो जाएगा, कोई बुरा हो जाएगा, कोई पाप हो जाएगा, कोई पुण्य हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, अब उसका फल वो तो अवश्यमेव भुक्तम, वो तो भोगना पड़ेगा।
तो जिस ज्ञानी योगी का यह अंतिम जन्म होगा वह अपने समस्त संचित कर्मों को एक ही वक्त में भुगतान कर देता। हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं, रमण फिर कभी नहीं आएंगे, हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं राम कृष्ण फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आने के लिए जो कर्म का अकाउंट होना चाहिए था वो खत्म हो चुका है। There is now no reason left for them to come back again. What for? किस लिए आएंगे वो? देखिए, बहुत बार संतों का जन्म इसलिए नहीं होता कि उनके, अब ये एक थोड़ी दूसरी बात निकल के आ रही है, इसमें कर्म का सिद्धांत बहुत कॉम्प्लेक्स है। अपने शिष्य के कल्याणार्थ, अपने शिष्य के आत्मवित्त होने हेतु, अपने शिष्य के अज्ञान के उस पर्दे का नाश करने की कामना ज्ञानी ने अपने चित्त में रख ली, इसी कामना की वजह से उसका फिर जन्म हो जाएगा। उनकी अपनी निजी कामना कोई नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने शिष्य के लिए या कहो संसार के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए फिर आना कारण बना लेते हैं, है नहीं बनाते हैं वो। आम आदमी का बन जाता है, ज्ञानी बनाता है अगर वो चाहे तो। जैसे कोर्ट अगर किसी को सजा दे, इसे उम्र कैद है, वो जेल में गया, अब जेल में एक बार गया तो अपनी मर्जी से वो बाहर ही नहीं आ सकता। वन टाइम जेल में गया तो गया, बस अंदर रहेगा वो, पर उसी जेल में जेलर भी तो जाता है, तो क्या जेलर भी बाहर नहीं आ सकता? नहीं हुआ तो आ सकता। और वहां जो कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, सोल्जर है, दरबान है, अंदर लंगरी है, लंगर पकाता है, क्लीनिंग करता है, जॉब पे है, रखा गया है, तो जब चाहे आए और जब चाहे बाहर चले जाए। पर जो कैदी है, वो कैदी तो तरीके ढूंढता है, मैं भागूं कैसे, वो फिर पकड़ के वापस ले आते हैं उसको। कैदी अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकता, पर जेलर आ जा सकता है। ऐसे ही साधारण मनुष्य अपने कर्म से बंधा हुआ अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता है, लेकिन एक संत चाहे तो मर्जी से जब चाहे जन्म ले और जितनी बार चाहे जन्म ले, उसको कोई बांध नहीं सकता है, पर वो अपनी मर्जी से वहां आता है। जेलर क्यों जाता है? ताकि कैदियों की व्यवस्था बना के रखे। और वैसे एक सोचने की बात है, जब कोई आदमी अपराध करता है तो अपराध उसके शरीर से होता है कि उसके मन से? हाँ, मन से। पर जेल उसके मन को देते हैं कि तन को? गलती उसके मन ने की है तो उसके मन को सुधारने का कुछ उपाय होना चाहिए। अगर मन नहीं सुधारा और खाली जेल में भेज दिया, आप जानते ही हैं, अखबारों में आप पढ़ते ही हैं, कई बार कुछ जेलर्स जो हैं या कई बार कुछ कैदी जो हैं, उन्होंने ये राज खोले कि जेल में सिगरेट, नशा, हर चीज़ मिलती है। 200 रुपये में सिगरेट मिल जाएगी, 500 रुपये में उनको नशे की गोली मिल जाएगी, 1000 रुपये में उन्हें कॉकटेल ऑफ द ड्रग मिल जाएगा। और सेटिंग हो गई तो अंदर टीवी भी है, मोबाइल फोन भी है, और वो अंदर से गया था छोटा मोटा अपराध करके। अंदर गए वो जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए, तो ये छोटा अपराधी उन बड़े अपराधियों की संगत में रह करके बड़े जुर्म करने की ट्रेनिंग ले लेता है। 6 महीने में बाहर आया तो वो उम्र कैद वाला कहते, चल अब तू मेरा ये काम कर, ये काम कर। सो दे आर समटाइम्स रनिंग देयर क्राइम किंगडम इन फ्रॉम इनसाइड द जेल। कई बार वैसे जेलों पे लिखा होता है सुधार घर, अच्छा शब्द है,
पर सुधर के कोई आता है क्या? अच्छा, एक आज आपको बात बताती हूँ। एक बार जेल में मैं भी गई हूँ। हाँ, एक नहीं, एक्चुअली चार बार, पांच बार। पहली बार जेल गए आगरा में, जलंधर में, फिर गए आगरा में, फिर गए हैदराबाद में, फिर गए आर्थर जेल मुंबई। इसलिए नहीं कि हमने कोई गड़बड़ करी थी। देखो यहाँ जितने बैठे ना, अच्छा, आगरा में तो सत्संग था, वहाँ के जो जेलर सुपरिटेंडेंट है वो हमारे भक्त थे, तो मैंने यही कर्म की ही बात हो रही थी, तो कहने लगे क्या आप हमारे यहाँ आके हमारे कैदियों से बात करेंगे? मैं हाँ बिल्कुल आती हूँ। तो अगले दिन अखबार की हेडलाइन मालूम क्या थी? गुरुमा जेल में। गुरुमा जेल में, ये भी सही है। आगरा और जलंधर की जेल में सत्संग किया, कीर्तन किया। आर्थर जेल में मैंने सोचा कीर्तन रहने देते, ऐसे ही थोड़ी बातचीत करके आ जाऊंगी मैं। हाई सिक्योरिटी जोन है वो, तो पीछे एक बैठे हुए थे वो एकदम से बड़ी जोर से खड़े हो गए। जितने वहाँ वो पुलिस के थे वो तो भागे उसको पकड़ के कि पता नहीं क्या करने लगा है। तो उसने जोर जोर से चिल्लाया, गुरुमा गुरुमा। मैंने कहा एक मिनट रुको, उसको कुछ कहना है, कह लेने दो। मैंने कहा क्या कहना है? कह रहे आपने भजन नहीं सुना है। और मैं अपने म्यूजिशियन साथ लेके ही नहीं गई थी, क्योंकि ऐसे ही मन में लगा कि भजन क्या करना, ऐसे ही थोड़ी बातचीत करके हम आ जाएंगे वापस। बोले आप तो हमेशा भजन गाते हो, आपने आज हमको भजन ही नहीं सुना है। मैं कोई बात नहीं, बिना म्यूजिशियंस के भी हम भजन गाते हैं। हैदराबाद की जेल में निष्क्रिय सक्रिय ध्यान सबको कराया। चार कैदी जो उम्र कैद वाले थे, मैं सबके लिए फल लेके गई। मेरी आदत नहीं किसी के यहां जाऊं तो खाली हाथ जाऊं, सीखा है संतों से, किसी के भी जाऊं मिले। मैं जा रही हूं ना, तो आई कैन नॉट गो एम्प्टी हैंड, आई हैव टू टेक समथिंग। सबके लिए सेब लेके गई। जेलर कहने लगे हम चार लोगों को चुना है, आप उनको अपने हाथ से दे दो, बाकियों को हम बांट देंगे। ओके, अब वो चार आए, उन सबको सक्रिय ध्यान कराया। सक्रिय ध्यान बहुत पावरफुल ध्यान है। मैंने कैसा ही कड़ा खराब बिगड़ा हुआ मन हो, इसको करते ही एकदम शांत और आनंदित हो जाता है। तो वो जब मैं उसे फल देने लगी ना, तो उसके ऐसे हाथ कांप रहे थे, तो मेरी नजर उसके चेहरे पे गई तो उसके आंख से आंसू थे। मैंने पूछा क्या, क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है मैं अपनी किस्मत पे बड़ा खुश हो रहा हूं और खुशी के मारे रो रहा हूं। यानी हम अखबार में पढ़ रहे थे कि हैदराबाद में सत्संग चल रहा है और वहां इतनी हजारों की भीड़ बैठी है, और यहाँ आप खुद मेरे सामने हैं और अपने हाथ से प्रसाद दे रहे, मैं अपनी किस्मत पे आज रंज कर रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, इसलिए आंसू आ गए। भले आज तक तकलीफ में था, लेकिन आज पता नहीं ये आपने क्या कराया है कि इसके करते करते मेरे मन का बोझ चला गया है। मेरा मन एकदम सुख में है, खुशी में है, आनंद में है, और ऊपर से आप मेरे को ये फल दे रहे हो। तो उसने फल लिया और उसका भाव देख करके ना हृदय द्रवित हो गया। आप हैरान होंगे, उसके बाद वहां रेगुलर ध्यान की सिटिंग चलती रही जब तक वो सुपरिटेंडेंट रहे, बाद का मुझे मालूम नहीं। रोज सुबह वहां ध्यान हो रहा था। और आर्थर जेल में खास करके मुझे ये बताया गया कि ये बड़े दुर्दांत अपराधी हैं जो आपके सामने हैं, तो मतलब हमको फिक्र है। मैंने फिक्र की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो। पर जब मैंने उन सबको देखा और फिर वो फरमाइश पर जब भजन गाया और सब ताली, मैं ताली बजा बजा के गा रही थी, तो वो भी संग, सब मैंने कहा मेरे संग ताली बजाओ, सब ताली बजाए, सब गा रहे हैं, और उनको गाते हुए देख के और उनको मस्ती में गाते हुए देख करके मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये कोई कैदी बैठे हैं। लगे जैसे कहीं सत्संग हो रहा है और सामने भक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल तो दिल है, मन तो मन है, जो आनंद चाहता है, जो सुख चाहता है, जो प्यार चाहता है, जो अच्छा जीवन चाहता है। पर जब उसे यह मिलता नहीं है तो क्रोध में, लोभ में, तैश में आके उनके हाथ से अपराध हो जाते हैं,
और ऊपर से हमने उनको बंद कर दिया चार दीवार में, पड़े रहो यहाँ पर। अपने घर वालों को याद करते हैं और कई बार रोते हैं, और कई फिर ऐसे भी थे कहते थे हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम चार साल से बैठे हैं, हमारी तारीख ही नहीं पड़ रही है, हमारा केस ही नहीं खुल रहा है, अब बड़ी समस्या है, अब हमारा जुडिशियल सिस्टम में केस इतने हैं, जज कम पड़ जाते हैं, काम इतना है, और उनकी तकलीफ देख करके कष्ट हुआ। पर फिर सिस्टम हैज यू नो इट्स ओन वे टू फंक्शन, एंड आई एम रियली होपिंग, यू नो आई एम रियली होपिंग दैट वी हैव मोर जजेस एंड वी हैव मोर कोर्ट्स, एंड कोर्ट शुड नॉट टेक लॉन्ग टाइम टू गिव जजमेंट, क्विक फटफट होता रहे, सही तैयारी हो जाए तो सब। खैर अपने विषय पे वापिस आती हूँ। बुरा कर्म किया फल जब उसका दुख रूप में, रोग के रूप में, कष्ट के रूप में, अपमान के रूप में जब सामने आता है तो भोगना ही पड़ता, कोई भाग नहीं सकता है उससे, कोई नहीं भाग सकता। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से अशुभ कर्म कभी ना हो। अब अशुभ कर्म कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा वो सुनो। शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म। शारीरिक कर्म जब आपने शरीर से कुछ कर्म ऐसा कर दिया, जैसे चाकू से मार दिया, तलवार से मार दिया, झांपड़ मार दिया, छत से किसी को गिरा दिया, ट्रेन से किसी को गिरा दिया, तो ये शारीरिक कर्म उसमें हो गया। वाचिक वाणी से, अब यहां सावधान हो ना, ये शरीर वाला कर्म तो सब कहेंगे जी हमने तो कभी नहीं किया, भाई चलो कभी एक आध थप्पड़ छोटे बच्चे को लगा दिया, या भाई को दो चार थप्पड़ कभी लगा दिए, तो चलो बहन भाई का झगड़ा है वो इतना सीरियस मैटर नहीं, तो सबको लगता हम तो बुरे कर्म नहीं करते। पर वाचिक, लिसन, झूठ बोलना अशुभ कर्म है। अब यहां फंस जाओगे तुम। चुगली करना अशुभ कर्म है। निंदा करना अशुभ कर्म है। वचन दे के तोड़ देना अशुभ कर्म है। गुरु आचार्य अवतार की निंदा करना घोर पाप कर्म है।